मुरादाबाद में किसानों ने एकजुट होकर पार्क में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को न मिलने और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसने तथा गन्ना मूल्य भुगतान कराने की मांग की गई है। इस दौरान किसानों ने अपना विरोध पार्क में बैठकर किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा। दरअसल किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार किसान संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिला, जो किसानों ने एक पार्क में बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया और मुरादाबाद के जिलाधिकारी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसान सम्मान निधि न मिलने और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसने तथा जल्द से जल्द गन्ना मूल्य भुगतान कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि किसानों की हालत खस्ता है और भारत का किसान यदि भूखा मरेगा तो फिर जनता भी भूखी मरने लगेगी। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जाए। मेरा नाम मनोज चौधरी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ किसान मुरादाबाद का। आज हमारी ये मासिक बैठक है, अब इसमें कई चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो भाई जो जर्जर सड़कें हो गई हैं बरसात से, वहाँ गड्ढे हो गए बहुत, तो वो सही होनी चाहिए। दूसरी बाढ़ से जो फसल नष्ट हो गई है उसका सर्वे करके उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। कई बार हम अधिकारियों से मिल लिए लेकिन खाद की किल्लत बराबर है, क्योंकि प्रशासन द्वारा क्रॉस चेकिंग दुकानों की नहीं की जा रही, ताकि ये निकल के आवे कि किन लोगों ने घोटाला किया है। अभी पड़ोस जनपद रामपुर है, वहाँ क्रॉस चेकिंग हुई है तो वहाँ निकले आया किन किन लोगों ने घोटाला करा है। ऐसी हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जनपद में भी ये पता चले कि किन किन लोगों ने घोटाला किया है, उन्हें दंडित किया जाए। दूसरा, गन्ना मूल्य भुगतान हम कह रहे हैं शुगर कैन एक्ट के अनुसार दो। अगर तुम हमें शुगर कैन एक्ट के अनुसार नहीं दे सकते तो 14% का ब्याज दो हमें। हम तो कह रहे हैं भाई तुम हमारा अगर इतने दिन रोक रहे हो और रोक लो, लेकिन हमें ब्याज दे दो। तुम हम मूलधन कह रहे हैं, मूलधन बाद में दे दियो, पहले पूरा ब्याज दे दो, जितना बनता है उसका हमारा ब्याज दे दो। तो ये लड़ाई पीछे भी हमने लड़ी थी, राष्ट्रीय नेतृत्व का फिर आदेश होगा फिर लड़ेंगे इसकी ब्याज की लड़ाई। और गन्ना मूल्य जो है जो उसकी बात है तय हो, वो हमारा सीटू के हिसाब से होना चाहिए, भाई लागत का दूना होना चाहिए हमारा। हमारी यही मांग है, लागत का दूना हमारा 450 रुपये बैठेगा गन्ने का, वो नए सत्र में हमारा ये होना चाहिए 450 रुपये बैठेगा, वो हमें मिलना चाहिए। और सम्मान निधि में अभी बहुत किसान रह गए, ये कह रहे हैं कि साहब अब एक बताओ, किसान धक्का खा रहे हैं कि तेरा कभी कोई कमी बता दें, कभी कोई कमी बता दें। प्रशासन को ये चाहिए कि सम्मान निधि जब किसान को मिल रही है, उसका हक है, सरकार दे रही है तो इन्हें दिलवाना चाहिए। तो यही 6-7 मांगे इन्हें लेकर आज हमारी मासिक बैठक हुई है और हमने ज्ञापन तैयार कर लिया है। अगर ये नहीं मानी जाएंगी तो आंदोलन होगा आगे। एडीएमई को हम ज्ञापन दे रहे हैं। अरे हमारे कई ब्लॉक उसमें प्रभावित हो रहे हैं, मूढ़ा पांडे पूरा बुरी तरह से है, इधर छिलेट में खादर का जो क्षेत्र है वो सब आ रहे हैं, वहाँ कांट क्षेत्र भी आ रहा है उसमें, और डिलारी और ठाकुरद्वारे में भी है ये। तो भाई जहाँ जहाँ से ये नदी का किनारे हैं और पानी भर गया, फसलें नष्ट हो गई हैं, वहाँ के जो है सर्वे कराए या सर्वे कराए कि उन्हें मुआवजा मिले। और मूढ़ा पांडे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है इससे। ऋषिपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन वरिष्ठ नेता। ये हमारी मासिक बैठक जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में होती है, जो मनोज चौधरी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, और इसमें मुख्य समस्या किसान का गन्ना भुगतान गन्ना नियम में सरकार और प्रशासन नहीं करा पा रहा। तो हमारी ये चेतावनी है आखिर में कि समय रहते हुए किसान का गन्ना भुगतान ब्याज सहित हो तत्काल, और लागत का 1.5 गुना 300 रुपये का 450 बैठता है, उसे सरकार राज्य सरकार तुरंत गन्ना मूल्य घोषित करे। ये गन्ना भुगतान की मुख्य समस्या किसानों की है। इसी क्रम में बता देना चाहते हैं हम कि बिजली की अधिक बढ़ी हुई दरें ये वापस होनी चाहिए किसान हित में, और OTS का समय आगे बढ़ाया जाए जिससे किसान उस बिल को जमा कर सके। नंबर 3, ये अभी बारिश का जो प्रकोप है इससे बाढ़ संभावना क्षेत्र में जहाँ पानी अधिक संख्या में आया है, वहाँ उस क्षेत्र में प्रशासन वहाँ मौका मुआयना करे और जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा देने का काम करे। यूरिया की भारी किल्लत, कालाबाजारी, जनपद मुरादाबाद में नहीं पूरे प्रदेश में ये हाल बचा हुआ है कि किसान को खाद यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा, डीलरों ने अधिक रेट में बेचा है, दुकानदार ने किसान को लूटा है और प्रशासन चुप है। समितियों में दुकानों पर, समस्त दुकानों पर यूरिया खाद उपलब्ध होना चाहिए, नियत अगर नहीं हुआ तो ये समस्या है। आज हमने ज्ञापन में उपरोक्त समस्याओं में लिखा है
अगर प्रशासन इस पर गंभीर नहीं हुआ, सरकार ने विचार नहीं करा, तो अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाया जाएगा। इसी बीच में जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी भी हैं, अपनी बात वो रखेंगे।